अगर हम ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले उस प्रोडक्ट का रिव्यू आता है। कई प्रोडक्ट को हम अपने दोस्त और परिवार के सदस्यों के सजेशंस पर खरीद लेते हैं, लेकिन कई नए प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिन्हें खरीदने के लिए हमें रिव्यू का सहारा लेना पड़ता है। क्या आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते समय प्रोडक्ट के रिव्यूज को पढ़कर फैसला लेते हैं कि ये प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहिए या नहीं? अगर हाँ, तो ये खबर खास तौर से आपके लिए है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न पर एक रिव्यू स्कैम चलाया जा रहा है। इस स्कैम की चपेट में अब तक 2 लाख से भी ज्यादा लोग आ चुके हैं। इस डाटा का खुलासा सेफ्टी डिटेक्टिव्स ने चीनी आधारित सर्वे की मदद से किया है। एप्पल इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें स्कैम के बारे में बताया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेज़न पर कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका रिव्यू फेक होता है। ऐसे में इस रिव्यू की मदद से ही कई यूजर्स प्रोडक्ट को अच्छा समझकर खरीद लेते हैं। इससे किसी भी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाती है और इससे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स उस प्रोडक्ट को खरीदने लगते हैं। जब भी किसी प्रोडक्ट के साथ फेक रिव्यू डाले जाते हैं तो उसकी यूजर रेटिंग बढ़ जाती है और वो प्रोडक्ट टॉप सजेशंस में आने लगता है। इस स्कैम के तहत खराब प्रोडक्ट की रेटिंग को ज्यादा कर बेचा जा रहा है। आपको बता दें कि अमेज़न वेंडर्स कुछ प्रोडक्ट को रिव्यूअर्स के पास भेजते हैं। ये प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिन पे उन्हें 5 स्टार की रेटिंग चाहिए होती है। ये रिव्यूअर्स उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और फिर उन्हें 5 स्टार की रेटिंग दे देते हैं, यानी कि सजेशंस में ये प्रोडक्ट टॉप पर आ जाता है। ऐसे में कोई भी यूजर जब कोई प्रोडक्ट को सर्च करता है तो उसे ये प्रोडक्ट टॉप पर दिखता है। एक बार अमेज़न पर रिव्यू देने के बाद रिव्यूअर उस प्रोडक्ट को वापस वेंडर के पास भेज देता है जिसमें अमेज़न प्रोफाइल और पेपल की जानकारी होती है। रिव्यूअर इसके बाद उसे रिफंड भेज देता है या फिर उसे प्रोडक्ट रखने के लिए भी दे देता है। कई लोगों को 5 स्टार रेटिंग देने के लिए कैश रिवॉर्ड भी मिलता है। सिक्योरिटी रिसर्चर को 1 मार्च 2021 का डेटा मिला है। इसमें करीब 7 GB डेटा यानी 13 मिलियन रिकॉर्ड मौजूद है। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी नहीं है। इस डेटा में ईमेल एड्रेस के साथ साथ उन वेंडर्स के व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर्स भी मौजूद हैं जो इस स्कैम का हिस्सा है। हालांकि अभी तक इस स्कैम से बचने के लिए अमेज़न की ओर से कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी गई है, लेकिन अगर ग्राहक थोड़ा ध्यान दें और कुछ टूल्स इस्तेमाल करें तो वो इस स्कैम से बच सकता है। इन टूल्स में रिव्यू मेटा, फेक स्पॉट, द रिव्यू इंडेक्स एक्सटेंशन या वेब का इस्तेमाल कर इस स्कैम से बचा जा सकता है। असली और फर्जी प्रोडक्ट रिव्यू की पहचान करना आसान नहीं है क्योंकि ये रिव्यूअर दोनों तरह के प्रोडक्ट का रिव्यू देते हैं। फिल्टर लगाकर आप काफी हद तक फर्जी रिव्यू से बच सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इससे बचना मुश्किल है।